अगर आप दिल्ली से सटे नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का RFP तैयार हो गया है। शासन ने 3 अथॉरिटी से इस RPF पर सुझाव भी मांगे हैं। अथॉरिटी के सुझाव मिलने के बाद इसे फाइनल कर नवंबर में जारी किए जाने की तैयारी है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार करीब 300 इलेक्ट्रिक बसें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी एरिया में संचालित की जाएंगी और इन बसों के संचालन का जो भी खर्च आएगा उसे तीनों अथॉरिटी मिलकर वहन करेंगी। आपको बता दें कि नवंबर में RFP जारी होने के बाद संबंधित एजेंसी इसमें आवेदन करेंगी और फिर बसों के संचालन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।